वेलकम टू विनीताज किचन वंस अगेन। मैं काफी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने आ रही हूँ एक नई रेसिपी के साथ। क्रिसमस केक बनाना सिखा रही हूँ और वो ड्राई फ्रूट रिच केक है जो एगलेस है पर फिर भी हेल्दी है काफी। इसमें मैंने बटर का इस्तेमाल नहीं किया है, मैदे का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। बड़ा ही आसान सा है और बहुत ही स्वादिष्ट है। देखिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसे कैसे बनाते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। बटर मैंने लिया था, उसमें हाफ कप शुगर डाल करके और इसको गर्म आंच पे धीरे धीरे करके चलाते हुए इसे मेल्ट कर लिया है। अब ये देख सकते हैं आप, अच्छा कैरेमल कलर आ गया इसका, ब्राउनिश। ये शुगर जो है ये कैरामलाइज हो गया है। अब इसमें हम हाफ कप वाटर डालेंगे। और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। ये अच्छा इसमें कैरामेल कलर आ गया है अच्छा सा। तो इसको अब हम इसमें एक एक 1.5 कप ड्राई फ्रूट्स मैंने काट करके रखा है। इसमें आलमंड्स है, अखरोट है, फिर काजू, किशमिश, ब्लैक वाला किशमिश और फिर टूटी फ्रूटी आप जो भी चाहें इसमें, और भी एप्रिकॉट्स भी डाल सकते हैं, प्लम डाल सकते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट चाहिए वो सारा इसमें डाल सकते हैं। अब ये ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल करके इसको ढक करके 2 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे। ये देखिए इसकी, ये ऐसा होना चाहिए, इसे थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरा कैरामेल जो है वो अच्छा सा तैयार हो गया है, गाढ़ा हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये मैंने करीब 1.5 कप के करीब ये ड्राई फ्रूट्स कट करके लिया है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल करके और सोक होने के लिए रख देंगे। अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। और ये टूटी फूटी ये सारा मिक्स करके हम इसे 2 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे। इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए 2 कप आटा। मैं इसे हेल्दी रखने के लिए की कोशिश कर रही हूँ तो मैंने आटे का इस्तेमाल किया है, आप मैदा भी ले सकते हैं। वेनिला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स, कंडेंस्ड मिल्क आप मिल्क मेड का या फिर अमूल का मिठाई में जो भी ले सकते हैं। ये 1/4 कप जो है ये दालचीनी का पानी है, इसको मैंने उबाल करके ठंडा करके छान के रखा है। आप दालचीनी का पाउडर भी 1/2 चम्मच टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3/4 कप रिफाइंड ऑयल है, आप इसकी जगह बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 कप हॉट वाटर है और ये जो मैंने कैरामेल में ड्राई फ्रूट को सोक करके रखा था ये वो ड्राई फ्रूट्स हैं जो चॉप्ड हैं। और 1 पिंच हम सॉल्ट लेंगे, ये बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून एंड बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून लेंगे। तो सबसे पहले हम इस बोल में गर्म पानी डालेंगे और फिर इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल करके हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क जो है उसको डाल देंगे। कंडेंस्ड मिल्क डाल करके इसको हम वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे
अब इसके बाद हम इसमें कुछ वेनिला एसेंस के ड्रॉप्स डाल देंगे। ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है आटा और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, इसको हम चाहे तो आप छान करके और अलग से छान के रख लें और डाल सकते हैं, या फिर इसमें एक एक करके डाल सकते हैं। आटा जो है उसको हम सबसे लास्ट में डालेंगे। अब इसमें हम 4-5 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस का डाल देंगे। और ये जो हमने दालचीनी का पानी रखा था उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब ये एक पिंच सॉल्ट, और हम ये बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग सोडा लास्ट में डालेंगे, पहले हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो इनको मिक्स करने के बाद पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। वेनिला एसेंस हमने डाल दिया है। अब इसमें हम ये जो ड्राई फ्रूट सोक करके रखा था इसमें शुगर भी है, तो इसको हम करीब एक कप के, 1.5 कप जितना आप चाहे उतना डाल सकते हैं। ये कैरामलाइज्ड ड्राई फ्रूट्स हैं। बहुत ज्यादा डालने से फिर वो भी नहीं अच्छा लगता, हर चीज एक रेशियो के साथ ही अच्छा लगता है। तो ये मैं इसमें करीब 1.5 कप डाल दूंगी। ये 1 कप डाला। ये 1/2 कप और अब इसे डाल करके हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर डाल देंगे। बेकिंग सोडा मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ सबसे, तक क्योंकि उससे फिर वो जो केक जो है वो अच्छी तरह से फूल जाता है और अच्छा सॉफ्ट बनता है। अब ये आटा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। लाइट हाथ से ही करना है, वैसे आप कट एंड फोल्ड कर सकते हैं किसी चम्मच से। मैं बहुत हल्के हाथ से मिला रही हूँ, इसको धीरे धीरे करके मिक्स कर देना है, कोई गुठली नहीं रहने पाए, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगे कि बैटर काफ़ी पतला है तो आप इसमें 1-2 टेबल स्पून आटा और डाल सकते हैं, आटा या मैदा जो भी हो आप इसको डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून खाने का सोडा मिला करके इसे फटाफट मिला दूंगी। हल्के हाथ से ही मिलाना है, आप इसको ज़्यादा बीट नहीं करेंगे। अब ये मेरा केक का टिन जो है वो रेडी है। इसे मैंने ग्रीस करके और इसमें मैं थोड़ा आटा डाल करके इसको टैप करके निकाल दिया है, तो वो मेरा पैन जो है वो केक का टिन जो है वो रेडी है। अब ये बैटर को मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए बैटर ऐसा होना चाहिए पोरिंग कंसिस्टेंसी का, तो इसको अब मैं डाल दूंगी। ओवन को मैंने कन्वेक्शन मोड पे प्री हीट करके रखा है 180 डिग्री पे, और इसको केक को हम 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। इसको केक को इसमें केक का बैटर जो है ये सारा इसमें डालने के बाद इसको थोड़ा टैप कर दीजिए ताकि इसके अंदर जो है केक के बबल्स कुछ भी ना रहे हैं। जैसे ये बबल्स आ रहे हैं तो इनको ये नहीं रहना चाहिए, इसको अच्छी तरह से टैप कर देंगे। अब इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। हमारा
क्रिसमस केक, ड्राई फ्रूट केक है ये, इट्स रियली हेल्दी और इसमें काफी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, काफी रिच है ये केक और हेल्दी भी है क्योंकि मैंने मैदा का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें आटे का इस्तेमाल किया है। तो चलिए इसे काटते हैं और देखते हैं कि ये कैसा बना है। इस केक को वैसे चेक करने का यही है तरीका कि नाइफ अगर साफ आ गया बाहर तो फिर केक जो है वो पक चुका है। ये देखिए, ये हमारा केक है, ये काफी रिच, काफी ड्राई फ्रूट्स है और ये देखिए काफी स्पॉन्जी बना है। एक और टिप्स मैं देना चाहूंगी कि जब हम कैरामलाइज करते हैं शुगर को, तो मैं उस समय बताना भूल गई, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि पानी जो आप यूज करेंगे उसमें वो गर्म पानी डालना है हमें। ठंडा पानी आप गलती से भी मत डालिएगा, अगर आपने ठंडा पानी डाल दिया तो वो शुगर जो है एकदम जम जाएगा और वो एकदम हार्ड हो जाएगा, तो आपका सारा कैरामल जो है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए उसमें वार्म वाटर डालिए और केक बनाइए और एंजॉय कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस टू यू ऑल, हैव अ वेरी नाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस।